हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपने किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से बदलें या चेंज करें, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए। आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से अपनी किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे स्टैक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। फ्रेंड्स, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को सर्च करके डाउनलोड कर लेना होगा। अगर ये एप्लीकेशन पिक्सआर्ट आप लोगों को प्ले स्टोर पर ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को आप लोगों को यहाँ पे ओपन कर लेना होगा और इसकी जो लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब जब आप लोग पिक्सआर्ट को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। नीचे आप लोग को प्लस का आइकन मिलता है, यहाँ क्लिक करेंगे। एडिट ए फोटो पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग सबसे पहले अपना जो भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, यानी कि बदलना चाहते हैं, जो भी बैकग्राउंड आप लोग अपने फ़ोटो का रखना चाहते हैं, सबसे पहले उस बैकग्राउंड को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैंने बैकग्राउंड डाउनलोड किए हुए हैं तो मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड ब्लर बैकग्राउंड है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पर ऐड आ रहा तो इसको कट कर दूँगा। अब ये बैकग्राउंड मेरा यहाँ पे आ चुका है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। अब आप लोग टूल्स मिल जाता है, टूल्स में आप लोग क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप में सर्कल 3.4 3.2 ये आप लोग रेशियो मिल जाते हैं, इन रेशियो में आप लोग अपना फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यही रेशियो रखता हूँ और आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे ऐड फोटो। ऐड फोटो पे आप लोग क्लिक कीजिए। अब जैसे आप लोग ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं, अब आप लोग जो भी अपना फ़ोटो है जिसका आप लोग बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, उस फ़ोटो को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा फ़ोटो ये वाला, ये सैम्पल फ़ोटो है। ऐड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पे, ये मैं फ़ोटो यहाँ पे इस तरीके से जूम करूँगा तो ये आप लोग देखेंगे, ये जो फ़ोटो का हमारा बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके से, जो आप लोग अभी देख रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये फ़ोटो मैं हटा देता हूँ, मैं दूसरा फ़ोटो लूँगा कोई, इसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ। ऐड पे मैं क्लिक करूँगा, मैं कोई दूसरा अपना कैमरा से फ़ोटो ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो मेरा फ़ोटो है, यहाँ पे मैं इस फ़ोटो को यहाँ पे ले लेता हूँ। ये रहा मेरा फ़ोटो, आप लोग देख सकते हैं। इस फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करूँगा, ऐड वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा, ये हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आप लोग यहाँ पे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं फ़ोटो का, इस बैकग्राउंड को मैं हटाना चाहता हूँ और ये जो पीछे का बैकग्राउंड मैं इसको लगाना चाहता हूँ। आप लोग इसको फ़ोटो को एडजस्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ मिल जाता है आप लोग को कटआउट, कटआउट पर आप लोग क्लिक कीजिए। अब आप लोग को मिल जाता है पर्सन, फेस, क्लॉथ, स्काई, ये आप लोग मिल जाते हैं। तो आप लोग, मैं क्या करता हूँ, पर्सन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ये जो पर्सन आ रहा है यहाँ पे, जस्ट आप लोग पर्सन पे जो है क्लिक कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं, जैसे ही पर्सन को इसने जो है सिर्फ पर्सन को जो है सिलेक्ट किया है और आप लोग एडजस्ट कर लीजिए इसको, सब कुछ ये सही से जो है एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कहीं पर भी आप लोग को मिस्टेक दिखता है तो आप लोग यहाँ पर ब्रश वाले टूल्स पर आप लोग इसको जो है इस तरीके से फिरा दीजिए, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा और ये देख सकते हैं शूज़ वगैरह ये रहेगा ही नीचे, इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रश से कवर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा मटेरियल अगर इस तरीके से हो जाता है, इरेज पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ब्रश से इसको आप लोग सही से पेंट एक तरह से कर दीजिए। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर सब कुछ एडजस्ट है। ये थोड़ा सा यहाँ पर टी शर्ट हमारी, सॉरी शर्ट ये हमारी सेट नहीं हुई है, इसको कर देते हैं यहाँ पे एडजस्ट। अब ये सब कुछ परफेक्ट यहाँ पे हो चुका है। अब इतना काम करने के बाद अब कर दीजिए राइट। राइट करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, इसको आप लोग एडजस्ट कर दीजिए इस तरीके से। और शूज़ अपने हिसाब से करिए और इसको आप लोग थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं इसको इस तरीके से। अब ये हमारा जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, अब कर दीजिए आप लोग राइट। अब राइट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से ये इफ़ेक्ट मिल जाता है। तो इफ़ेक्ट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग ब्लर इफ़ेक्ट, पीछे का जो ये इफ़ेक्ट मिल जाते हैं,
इनमें आप लोग ये इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से जो इफ़ेक्ट होते हैं इनको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इन इफ़ेक्ट को यूज़ नहीं करूँगा, मैं सैम्पल रखूँगा, इसको कट करूँगा और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को और भी जो है टूल्स मिल जाते हैं, इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी का हमारे जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पर बदल चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो आप लोग इन टूल को यूज़ कर सकते हैं ये इस तरीके से, ब्राइटनेस वगैरह आप लोग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हमारे जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, बदल चुका है। और इसके बाद एरो वाले आइकन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए, एडवर्टीजमेंट आ सकती हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो है, यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, अपलोड पर क्लिक कीजिए और आप लोग का फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होता है उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपने किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड बदलने में या चेंज करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस यही फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।